أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین اکرام ڈیئر ویورز دس ویڈیو ول بی ان انگلش اینڈ اردو فار دا بینیفٹ آف بوتھ لینگویج فار دا بینیفٹ آف دی انڈرسٹینڈنگ آف دی ویورز یعنی یہ اردو انگلش دونوں میں ہوگا تاکہ آپ کی سمجھ کے لیے آسانی ہو یہ ویڈیو بیسیکلی ہوگا کیریئر سلیکشن فار اور چلڈرن ठीक है यानी हमारे बच्चे जो 11th में 12th में हैं क्या करियर ऑप्शंस चूज़ करें। देखिए अगर आप 12th में आ रहे हैं और आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो 5 साल का टाइम है, और आप 12th में आ रहे हैं अभी और मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 8 साल का टाइम है। वो कैसे, 5 साल तो मेडिसिन होगा आपका, 2 साल आपको जो है अप्रेंटिस भी करना पड़ेगा कि उसके बगैर आपको कंप्लीट नहीं होता हो। तो मेडिसिन इज़ नॉट 5 ईयर्स, इट हैज़ बिकम नाउ 7 ईयर्स, ठीक है, प्लस आपका 12th 1 साल अभी बाकी है। इस तरीके से ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है हु आर इनटू MPC मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री यानी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के ऊपर ये वीडियो पूरा होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। नाउ if you have seen my previous video M.Tech civil engineer saying it's better you go for IT information technology and computer science courses, to aapne pichle video mein dekha ki ek M.Tech civil engineer ne ye kaha tha ki bachchon ko dusri engineering branches ke muqable mein preference dena chahiye IT computer science ko, to usi ko leke main ye video bana raha hu। dekhiye engineering ke jo different branches hai usme कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। दिस विल बी बेस्ड ऑन टू ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दी टू इंजीनियरिंग ब्रांचेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली द डिफरेंस इज computer science engineering is the work of doing the basic structure, aapka foundation, aapka building structure, aapka building completion, main agar building construction pe baat karta hu, theek hai, usne they did the foundation work, they put the pillars, columns, they build the whole structure, they complete the building, that is computer science and engineering। Whereas information technology starts from there, they take over the building and start the work, maintenance, administration, security, सारी चीजें उसमें, ठीक है। तो आप समझ गए, अब उर्दू में बोलता हूं मैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है पहले तो वो फाउंडेशन डालेंगे, फिर उसमें कॉलम बनाएंगे, पिलर बनाएंगे, पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की तरह वो पूरी बिल्डिंग कंप्लीट करके आपके हैंडओवर कर देंगे। ये काम हो गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से इसका काम शुरू होता है, इसकी सिक्योरिटी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नेटवर्क, इसका मेंटेनेंस, इसका मैनेजमेंट, ये पूरा कंट्रोल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास, IT वालों के पास होगा। तो आपको समझ में आ गया, और दोनों काम सॉफ्टवेयर बेस्ड है, दोनों काम सॉफ्टवेयर बेस्ड है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो अब दोनों में ज्यादा काम किसका होगा, ज्यादा डेफिनेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा, क्योंकि देखिए बिल्डिंग तो आप एक बार बनाते हैं, बना के दे देंगे, लेकिन उसका काम जो है वो हमेशा का है। हाँ, बिल्डिंग में अपडेशन भी होते रहते हैं, चेंजेस भी होते रहते हैं, बट IT इज मोर रैपिड, मोर रिलीवेंट, मोर यू समझ लो रिक्वायरमेंट is higher in IT than computer science engineering। ये एक बात होगी। The other thing I'm going to speak about, what are the courses we have to take for our children? I am specifying 3 courses: AI, artificial intelligence, and machine learning (ML). उसके अलावा दूसरा है data science, और तीसरा है IoT, cyber security, इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये तीनों भी आपको कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स के कोर्सेज हैं,
ये फ्यूचर के कोर्सेज हैं, आज से 5 साल के बाद 10 साल के बाद ये फ्यूचर होगा, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, इसके ऊपर जाओ। लेट मी टेल यू व्हाट इज एआई एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इट इज ऑल अबाउट, रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स दैट मिमिक अ ह्यूमन ब्रेन एंड एनेबल देम टू परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कंप्यूटर को एक इंसानी ब्रेन के तौर पे ट्रेन किया जाता है। ठीक है, जो इंटेलिजेंस से एक इंसान काम करता है उसी तरीके से, जैसे एक इंसान का ब्रेन जो है एक ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको कहते हैं, एक अकल से दिमाग लगा के काम करता है, कॉमन सेंस से काम करता है, वही चीज हम कंप्यूटर को सिखा रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एआई दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न एंड ग्रो। अच्छा, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, हम ड्राइविंग बच्चों को कैसे सिखाते हैं, हम स्विमिंग बच्चे को कैसे सिखाते हैं, एग्जैक्टली वैसी ही मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को सिखाते हैं एक एक टास्क। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस इज डिफाइंड एज अ ब्लेंड ऑफ मैथमेटिक्स, बिजनेस एक्यूमेंट, टूल्स, एल्गोरिदम्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स विच हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट द हिडन इनसाइट्स और पैटर्न्स फ्रॉम रॉ डेटा। वाओ, ये डेटा साइंस जो है ना, डेटा पे जो लोग काम करते हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा एंट्री, सारी चीजें जो डेटा पे जा रही है ना, देखिए डेटा इज एवरीथिंग, जिसके पास डेटा है वो राजा है। ठीक है, तो ये डेटा एनालिसिस जो है ना, ये बहुत ज्यादा एडवांस होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके डेटा एनालिसिस होगी, दैट्स कॉल्ड डेटा साइंस। तो जो बंदे कैलकुलेशंस में, एनालिसिस में बहुत अच्छे हैं, उनको डेटा साइंस में जाना चाहिए। ये भी इंजीनियरिंग का ब्रांच है, डेटा साइंस इज ए इंजीनियरिंग ब्रांच इन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आया IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन लोगों को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में मालूम है, ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बहुत कुछ है। ब्लॉकचेन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा टैम्परिंग, देयर बाय लॉकिंग एक्सेस टू IoT डिवाइसेस। ब्यूटिफुल, देखिए जितने IoT डिवाइसेस है उसके एक्सेस को सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, मोबाइल शॉपिंग, ई कॉमर्स, ये सारी चीजों पर ब्लॉकचेन लगेगा आगे जाके। ठीक है, ब्लॉकचेन बेस्ड अप्रोचेस कैन बी एम्प्लॉयड फॉर IoT सिक्योरिटी, IoT क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन आर की टेक्नोलॉजीज ड्राइविंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंग्लिश है, टेक्निकल है। अब मैं आपको एक एक प्रोफेशन के बारे में बताता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग, आज कैट के बगैर सिविल इंजीनियरिंग नहीं चलती, कल ये एडवांस हो जाएगी, AI में चली जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो ऐसे ही आउटडेट हो गई है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और IT में आपको जाना है। अब ये इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन की बात करता हूँ। मेडिसिन विल बी टोटली AI बेस्ड। US का कोई सर्जन इंडिया में बड़ी आसानी से ऑपरेशन कर रहा होगा यूजिंग AI, यूजिंग रोबोट्स। उसको असिस्ट करने के लिए एक लोकल सर्जन होगा इंडियन, और ये थड़ाथड़ होते रहेंगे। अब वो सर्जन अमेरिका से इंडिया आओ, फिर करो, फिर जाओ, ये कंथा खत्म हो जाए। और बात US की नहीं, पूरी दुनिया की हो जाएगी। जर्मन डॉक्टर को ले लीजिए आप, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर को ले लीजिए, सब इंडिया में सर्जरी करेंगे बड़ी आसानी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी जितनी बीमारियां हैं ये पूरी रिकॉर्ड हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बड़ी आसानी से। भाई इनको BP इतना है, इनको शुगर इतना है, इनको एलर्जीज इतनी है, लिहाजा ये दवाई दे सकते, ये दवाई नहीं दे सकते, सब कुछ कंप्यूटर से निकल के आएगा। दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिन। और भी बहुत सारे एडवांसेस होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं मेरे करियर पे, जो कि सेल्स है। सेल्स आने वाले 10 साल में कंप्लीटली ह्यूमन से निकल जाएगा, बमुश्किल 10-15% हो जाएगा। नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात कर रहा हूं, सेल्स बॉट्स आ जाएंगे, ऑनलाइन सेल्स हो जाएगा। आज आपको डिलीवरी में फिर भी ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है, तलवार ड्राइवर्स हैं और स्विगी ड्राइवर्स हैं, कल ये पूरे खत्म हो जाएंगे। ड्रोन्स विल बी यूज टू डिलीवर फूड, शॉपिंग, सेल्स तकरीबन ऑनलाइन हो जाएगा। समझ गया आप? सेल्स
मार्केटिंग तो ऐसे भी ऑनलाइन है सर, पूरी डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग हो गई, गूगल मार्केटिंग हो गई, व्हाट्सएप पे आप मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे देख रहे हैं, सब मार्केटिंग हो गई है, सेल्स भी गया, मार्केटिंग भी गया, एचआर, ये पूरा का पूरा एआई पे जाएगा। आप सीवी फीड करेंगे वहां एआई से, यानी कोई एचआर मैनेजर नहीं कॉल करेगा आपको, बॉट कॉल करेगा, एचआर बॉट कॉल करेगा, कंप्यूटर कॉल करेगा आपको। तो आप एक बात समझ लीजिए भैया, आप आज किसी भी फील्ड में हो, आपको ये तीन चीजों पे ध्यान देना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी। आप ये बात कर रहे हैं, हैदराबाद में एक कॉलेज है मल्लेपल्ली में, अनवार लूम डिग्री कॉलेज, वहां बीएससी में बीकॉम में ये ऑप्शंस आ गए हैं, बीएससी और बीकॉम में ये ऑप्शंस आ गए हैं, अनवार लूम डिग्री कॉलेज मल्लेपल्ली की बात कर रहा हूं, आप जाके देखिए। मेरे कोई खास गए थे, वो मुझे भिजाए, एआई आ गया है उनके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनवार लूम में पढ़ाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट्स अनवार लूम डिग्री कॉलेज मल्लेपल्ली हैदराबाद में पढ़ाई जा रही है, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए। आप किधर हैं भाई, प्लीज पिक अप द पेस। अपने बच्चों को ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। मैं एक एग्जाम्पल देके बात को खत्म करता हूं। आज से लगभग 30 साल पहले 30 ईयर्स पहले जब बैंक्स जो है हैदराबाद में कंप्यूटराइज हो रहे थे, तो एक बैंक जहाँ मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट था सिंडिकेट बैंक मेहदीपट्टनम पे, वहाँ मैं गया तो बोर्ड लगा हुआ कि भाई 3 दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं हम लोग। तो एक एम्प्लॉय से मैंने बात किया, भाई क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? बोले कंप्यूटराइजेशन हो रहा है तो हम स्ट्राइक कर रहे हैं। मतलब क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? मतलब आप कंप्यूटर सीख लो, आप कंप्यूटर सीख लो, आ जाओ, है ना। बोले हमको कंप्यूटर नहीं सीखना है, इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर आप भी यही सोचेंगे तो भाई आप आउटडेटेड हो जाएंगे। भाई आपका तो टाइम खत्म हो गया, छोड़ दीजिए आपने जो किया नहीं किया, मैंने जो किया नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये गलती मत करिए प्लीज। और डिटेल आपको चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करता हूं। बट याद रखिए, इस वीडियो के, ये जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डालने वाला हूं, सो प्लीज रीड द डिटेल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर क्यूबेस्ट ग्रुप्स के लिए फजल। अच्छा, मैं कभी भी आप लोगों को ये अपील नहीं करता कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसलिए कि अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करेंगे ना, और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तभी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।